जिंदगी एक मुश्किल सफर है. When it comes to knowing who you are and what you want to do in this world, from the physical aspect and from the spiritual aspect, dono dimensions ke upar, according to my education, little I have from the Islamic perspective, dono mein bahut zabardast usool Islam deta hai ki insaan us kamal tak kaise pahunche, jahan usse cheeze dikhna shuru ho jati. Because when it comes to the highest level of faith, अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ स्पिरिचुअल विजन भी लेके चलें, कॉर्पोरेट और प्रोफेशनलिज्म पे मैं इसके बाद आ जाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो टारगेट दिया है ना, वो ये अंताअबुदल्लाह कान्ना का तराव फैलम तक उन तराव फैलना हो जरा का, कि तू इस दुनिया में मेरे साथ ऐसे चल, इतना एक्चुअलाइज हो कि तुझे अल्लाह दिखता हो. एंड इफ यू डोंट सी हिम फैलम तक उन तराव फैलना हो जरा का, तो कम से कम अपने परसेप्शनल लेवल्स पे, अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, अपनी ग्रोथ और अपने ह्यूमन साइकोलॉजिकल नरिशमेंट के उस लेवल पे आ जा के तुझे ऐसा महसूस होता हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है. सो इट्स नॉट इजी, देयर आर प्रोसीजर्स, उसूल एंड ज़वाबित एंड कवायद वहां तक पहुंचने के लिए. इस्लाम में भी इंसान की अंडरस्टैंडिंग के, उसकी कॉन्शियसनेस के, उसके परसेप्शन के, उसकी सोच के, उसकी थॉट के, उसके इंटेलेक्ट के, तीन लेवल्स हैं. कहीं पांच आते हैं, कहीं तीन आते हैं. एक इस्लाम है, दूसरा ईमान है, तीसरा एहसान है. इवन व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म एज़ वेल, अपने किसी स्किल के अंदर या अपने किसी रोल के अंदर एक्चुअलाइज होके उस लेवल तक पहुंचना, where without seeing the maqsood and the matloob, the manzil and the destiny, you see it with the eyes of your heart, it's not an easy job. It's a tough walk, it's a hard walk of life. Bahut mushkil safar hai zindagi ke andar kuch banna. Aur meri to choti si zindagi ki tahqeeq ye batati hai ki kisi maqam tak pahunchna mushkil nahi hai, us maqam ko retain karna aur uske baad dusra maqam tak pahunchna, to wo asal ladai wo hai. That's the real fight of life, kyunki the first fight and the first war you have to be something in this world, उसके पीछे बहुत से psychopathic element भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सी irrational motivation भी काम कर रही होती है, बहुत से गुमूम हुमूम कर्व और बहुत से गम काम कर रहे होते हैं. And by hook or by crook, we do find something in life. हम पहुंच जाते हैं कहीं, मगर problem पहुंचना नहीं है, problem retain करना है, problem grow करना है. Problem is to manage yourself to go to the next station and then go to the next station. In fact, Quran की एक आयत से मुझे पता चला कि ये जो मकसद होता है ना इंसान का विजन, ये कभी फौत नहीं हो सकता. बंदा फौत हो जाता है, विजन खत्म नहीं होता. वो विजन जो खत्म हो जाए वो विजन ही नहीं था. एंड यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट विजन फिजिकली एंड फंक्शनली, दैट्स आल्सो अ रॉन्ग डेफिनेशन एज वेल. लोग आगे पीछे हो जाते हैं, विजन कंटिन्यू करता रहता है. दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्रोसीजर्स कि आपको बेंच और सीट छोड़नी पड़ती है. एंड यू हैव टू हैंड दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्चुअलाइजिंग योर विजन, दैट यू हैव टू गिव इट टू समवन एल्स एज वेल. बट अल्लाह सेज वाअबुद रब्बका, सूरह हिजर, वाअबुद रब्बका हत्ता यातीकल यकीन. मतलब इबादत एक प्रोसीजर है और अल्लाह मकसूद और मतलूब और विजन है. अगर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ शरीयत के साथ, आप इसको कॉर्पोरेट में अप्लाई कर लीजिएगा, वरना मैं खुद भी कर दूंगा. इफ गॉड इज द विजन, हु अल मकसूद अल मतलूब अल महबूद, एंड इबादत इज द प्रोसीजर, एंड अल्लाह से वाअबुद रब्बका हत्ता यातीकल यकीन, उस वक्त तक तूने अपने आप को उन प्रोसीजर्स, उन प्रीरिक्विजिट्स के अप्लाई करते रहना है जब तक के तुझे मौत नहीं आ जाती. तो जिंदगी के अंदर इमामत हो, क्यादत हो, लीडरशिप हो, किसी एक रोल में हो या बहुत ज्यादा रोल्स में हो, ये कभी खत्म नहीं होता. इट नेवर एंड्स अप, इनफैक्ट इट नेवर फिनिशेस. एंड द शैतान इन आवर ओन नफ्स, इन आवर ओन डिमेंटेड परसेप्शन इज ऑलवेज ट्राइंग टू टेल अस टू लेट गो ऑफ द बॉल, लेट गो, इट्स ओवर, यू डन. इनफैक्ट द ग्रेस ऑफ मैन स्ट्रगल स्टार्ट्स व्हेन ही गेट्स ग्रे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इस्लाम. असल लड़ाई तो शुरू ही जब होती है जब यू गेट ग्रे हेयर्ड, बिकॉज दैट्स व्हेन यू हैव द पावर ऑफ विजडम. You don't use much of your functional parts, but you use your brain a lot. Aapka dimag bahut chalta hai us time. But zindagi ke roles ke andar, as a father, as a corporate head, as an entrepreneur, as a political leader, as a friend, as a teacher, as an ustaz, ya even right now, koi shakhs agar aise stage par hai ki wo kuch karna chahta hai, but he doesn't have that, you know, that hit is not there in his heart. Teen chaar hi stages honge according to my knowledge of the sharia. या तो वो फैसला करना चाह रहा होगा, and he is not able to pull himself to lead anything he wants to do, or he is doing it and he is getting beaten badly. अच्छे खासे तरीके से उसे मार पड़ी. कुछ महाज हार रहा होगा, कुछ महाज पे फतह होगी, कुछ महाज रिटेन कर रहा होगा, और कुछ डामाडोल तरीके से ही चल रही होगी गाड़ी. और कुछ पहुंच गए होंगे मगर इतना रिसोर्स जाया किया होगा, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मटीरियल, कि ना आगे जाने की हिम्मत होगी और ना ही रिसोर्स होगा आगे बढ़ने का, या अपने जिस्म ने साथ छोड़ दिया होगा या लोगों ने साथ छोड़ दिया होगा.
या मटेरियल इतना वेस्ट कर दिया होगा कि आगे के स्टेज पे जाने के लिए द आर्ट ऑफ वॉर जिसे हम कहते हैं दैट हैज फिनिश्ड फॉर यू नॉट टू गो टू द नेक्स्ट स्टेशन टू फर्दर क्लेम योर एक्चुअलाइजेशन टू सी योर लिमिट एंड चेक हाउ फार यू कैन गो विद इल्म एंड अमल एंड नॉलेज एंड परसेप्शन. तो ये दो तीन स्टेजेस ही होंगी जो आपकी पर्सनल लीडरशिप के मसाइल होंगे इस टाइम. बहरहाल अगर कोई शख्स प्रोफेशनल फोरम पे नहीं भी है, प्रोफेशनल लाइफ है भी नहीं, ये जिस्म की क्यादत तो इस दुनिया में आपने करनी ही करनी है. बिसाइड्स द रोल यू आर लीडिंग एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, एज अ कॉर्पोरेट हेड और एज अ बिजनेसमैन और एज अ पॉलिटिकल लीडर, ये सब ना भी हो, एज अ पर्सनल इंडिविजुअल यूनिक डिस्टिंग्विश्ड ह्यूमन बीइंग इस जिस्म को लेके चलना भी आपकी एक जिम्मेदारी है. और इसमें कुछ हार जाते हैं एंड दे कमिट सुसाइड एंड दे फॉल इनटू डिप्रेशन एंड दे गो इनटू द डार्कर रीजंस ऑफ देयर लाइव्स. और इंसान मनफी मुसबत इस मुसबत से निकल के मनफी ख्यालात में आके इतने प्यारे गिफ्ट को जो अल्लाह ने उसको दिया है इस रिसोर्स को जाया कर दे. व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग आउट, मैं इस पर थोड़ी सी कुछ बात करके आप मोइज़ेस हज़रात का सामेईन का जिन्होंने मुझे ये शर्फ और ज़र्फ बख्शा है कुछ कलाम करने के लिए यहाँ पर, उस छोटे से नीश को आई वुड वांट टू पॉइंट आउट कि हमारा दीन इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस एंड इस्लामिक लॉ एंड द इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड डायनामिक्स ऑफ शरिया जो इंसान को तामीर करने जब आता है इंडिविजुअल की या सोसाइटी की, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की या एक हेड की, व्हाट आर द डायनामिक्स इन द शरिया इन ट्रेनिंग अ ह्यूमन बीइंग फॉर हिम टू डू सम मिरेकुलस वर्क इन दिस वर्ल्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान की एक बहुत प्यारी आयत है जो इमामत के प्रीरेक्विजिट्स, लीडरशिप्स की क्रेडेंशियल्स और उसके प्रीरेक्विजिट्स पे इतनी जबरदस्त रोशनी डालती है. अल्लाह सेज वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आदमी को उसके फन में एज अ होल टोटलिटेरियन के अंदर या एक स्पेसिफिक फन के अंदर या एक स्पेसिफिक इल्म के या एक स्पेसिफिक टैलेंट एंड स्किल के साथ जो उसको अल्लाह ने दिया है इमाम बना देते हैं, उस फील्ड का सिग्नेचर बनाते हैं उसको. मतलब वो माइलस्टोन होता है अपनी फील्ड का, मतलब वो हाथ रखेगा तो वो डेफिनेशन बन जाएगी वहां पर. अ पर्सन बिकम्स अ सिग्नेचर इन हिज फील्ड. वजअलना मिनहुम अइम्मा यहदूना बि अमरिना, और वो हमारी हिदायत के साथ हमारी इतनी ज्यादा उसकी स्पिरिचुअल डायनामिक्स हाई होती है कि वो जो हुक्म दे रहा होता है अपनी फील्ड के अंदर भी, चाहे दीन की फील्ड में भी हो या प्रैक्टिकल दुनिया की फील्ड में भी, वो सिग्नेचर होता है उस टाइम पर. गलती के इम्कान बहुत मुश्किल होते हैं उस लेवल के ऊपर.